सीधे रुक करते हैं इस समय पंचकुला का, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर पहुंच चुके हैं और आज बेहद अहम दिन है हरियाणा के लिए। सामूहिक स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ, 4500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इस साल देशभर में खुलेंगे। हरियाणा के आयुष विभाग ने इसमें सबसे पहले लीड ली है और जब यह कार्यक्रम की योजना बनी प्रधानमंत्री जी के, तो 10 स्थानों पर वेलनेस सेंटर खोलने का योजना बनाई और आज 10 के 10 वेलनेस सेंटर्स हरियाणा में खुल रहे हैं। और सौभाग्य की बात है कि हरियाणा पहला राज्य है जिसमें हेल्थ एडवेंटर्स वेलनेस सेंटर आज खोले जा रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोलने के पीछे प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य सीधा है कि हम शरीर की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, क्यों ना प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ लेकर के इस शरीर के साथ बीमारी का संबंध आना ही नहीं चाहिए, ऐसे कार्यक्रम क्यों ना किए जाए। उसमें से प्रिवेंटिव मेजर्स के नाते वेलनेस सेंटर्स का देशभर में कार्यक्रम, जिसके अंदर योगा, जिसके अंदर हमारा दिनचर्या, हमारी खान पान की आदतें और इस प्रकार से जो पारंपरिक औषधि व्यवस्था, आयुर्वेद की व्यवस्थाएं, जिससे इन बीमारियों से छुटकारा पाया जा सके अथवा बीमारियों के सामान्य इलाज में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी ना हो, तो इस प्रकार इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। हमने बहुत पहले से ऐसी योजना बनाई कि योग, क्योंकि योग को दुनिया में ख्याति प्राप्त हुई है प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, तो योग को प्रमोट करने के लिए हरियाणा के गांव-गांव में पार्क और व्यायामशालाएं बनाकर और योग शिक्षक इनकी नियुक्ति करके हर गांव में एक योग शिक्षक हो, प्रातःकाल सायंकाल वहां के नागरिकों को योग सिखाया जाए और वहीं उन योगशालाओं में व्यायामशालाओं में व्यायाम करने का अभ्यास ये भी बनाया जाए, ताकि दैनिक व्यायाम अपने आप को फिट रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है। हमने देखा कि कल ही दुनिया भर में जो स्पोर्ट्स डे के ऊपर फिटनेस रखने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया कि हर आदमी अपने आप को फिट रखे, अगर व्यक्ति फिट होता है तो देश फिट रहता है, उनका हम अपने आप को फिट रखें इंडिया वुड बी फिट, तो उस नाते से इन चीज़ों का और आगे एक प्रकार से प्रचार प्रसार। हमारे यहाँ आयुष विभाग के अंतर्गत बहुत से ऐसे नए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज को हमने एक यूनिवर्सिटी के रूप में, एक आयुष यूनिवर्सिटी ये बनाई जाए, तो उस ओर हमने कदम आगे बढ़ाया है। ऐसे ही केंद्र सरकार की सहायता से पंचकुला में माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक 25 एकड़ ज़मीन पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिकल साइंसेज, इसका शिलान्यास स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया है। यूनानी पद्धति से भी हम अपने शिक्षा, अपनी यूनानी मेडिसिन को आगे बढ़ाएं, तो इस ओर भी खास करके मेवात जिला में हमारे 2 अलग अलग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, तो ऐसे आयुष के माध्यम से इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम जो है इस शरीर की बीमारियों से छुटकारा पाएं, ताकि हमारा जो मेडिकल का होने वाला एक प्रकार का बड़ा जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स में सुविधा कैसे हो। आज स्वास्थ्य सेवाओं के नाते से हरियाणा प्रयत्न तो कर रहे हैं, लेकिन जितना एक आदर्श स्थिति होनी चाहिए उतनी हमारी नहीं है। उदाहरणतः हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है, लेकिन डॉक्टर्स की बहुत कमी है। उन डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए हमने पिछले 5 वर्षों में अपने प्रयत्न किए नए मेडिकल कॉलेज खोलने की। हमारी योजना है कि हर ज़िले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज, हालांकि कुछ ज़िलों में एक से ज़्यादा भी हैं, तो अभी ऑन एवरेज एक के हिसाब से 22 ज़िलों में 22 मेडिकल कॉलेज हम खोले, तो उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इन 5 वर्षों में 3 गवर्नमेंट के नए मेडिकल कॉलेज और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, ऐसे कुल 19 मेडिकल कॉलेज या तो चल रहे हैं या पाइपलाइन में हैं। मेडिकल कॉलेजेस की जो MBBS की सीटें हैं उसमें, इस बटा दो भाई,
उसमें 2014 के अंदर 700 MBBS की सीटें हरियाणा के अंदर सभी मेडिकल कॉलेजेस की थी, और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष 2019-20 के जो एडमिशन हुए हैं 1450 मेडिकल कॉलेज की एडमिशन हुए हैं, अर्थात डबल हो गए हैं। लेकिन इनको हम 2000 कम से कम 2000 से ऊपर जाएं अच्छा है, 2000 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर MBBS की सीटों का दाखिला यदि होगा तब हम एक आदर्श स्थिति, क्योंकि हरियाणा के अंदर हमारी आबादी के हिसाब से आज हमको 27,000 डॉक्टर चाहिए जबकि कुल 13,000 डॉक्टर हैं, अभी हम आधे पर हैं, तो हम आधे और इसी प्रकार प्रगति करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरा कहने का भाव है कि इस दिशा में बहुत काम हो रहे हैं। अब आज चूंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं, मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं कि इस अगले कार्यक्रम के अंदर हम उनके साथ जुड़े। धन्यवाद। तो पंचकुला में मनोहर खट्टर संबोधित कर रहे हैं, चूंकि आज बहुत अहम दिन हरियाणा के लिए, स्वास्थ्य योजना की तरफ सरकार का एक बड़ा लक्ष्य, सामूहिक स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ पंचकुला में मुख्यमंत्री खुद मौजूद और प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज हरियाणा के कई जिलों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत कुछ करना अभी बाकी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और सरकार यह चाहती है कि सबका स्वास्थ्य बना रहे, सब स्वस्थ रहें, इस दिशा में वो लगातार प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्री ने माना कि अभी आदर्श स्थिति नहीं है, जो कि कई अस्पताल तो हैं लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर्स की अभी कमी है। सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में तकरीबन एक मेडिकल कॉलेज की सुविधा हो ताकि लोग स्वास्थ्य लाभ उठा पाएं। स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है